नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज है पांचवा नवरात्र, 15 तारीख है, 15 जुलाई। मैं बार बार आप सबको बता रही हूँ कि ये गुप्त नवरात्रि है। आप कोशिश करें, जो भी क्रियाएं आप करते हैं उन क्रियाओं को आप गुप्त रूप से करें। जो क्रियाएं मैं बता रही हूँ वो तो आप करें ही करें, उसके सिवाय भी यदि आप कोई मंत्र तंत्र वगैरह सिद्ध करते हैं तो आप उसे गुप्त रूप से करें। ऐसा करने से आपकी साधना चरम सीमा पर पहुंचेगी, ऐसा करने से आपकी साधना को बल मिलेगा और आपके पास जो भी शक्ति आएगी वो हमेशा आपके साथ रहेगी। दोस्तों, 15 जुलाई है, पांचवा नवरात्र है। आज स्कंद माता रूप की पूजा होनी है। आज के दिन आप या तो नारंगी रंग के कपड़े पहने, ऑरेंज, या फिर आप नीला रंग पसंद करें। दोस्तों, आज के दिन माता रानी की सेवा पूजा करने से आपकी काया निरोगी रहती है। जिनके शरीर में तरह तरह का रोग एंटर हो जाता है बिना किसी कारण के, या किसी ग्रह दोष के कारण, या कोई नेगेटिविटी के कारण, वे लोग यदि आज के दिन मंत्र का जाप करते हैं, ये मंत्र जो मैं आपको बता रही हूँ, तो उससे उनकी काया में बहुत जल्दी फर्क दिखाई देगा, अच्छाई दिखाई देगी। आपको क्या करना है, आज के दिन माता रानी के सामने आप घी का दीपक लगाएं, अगरबत्ती लगाएं, नैवेद्य में एक केला रखें, ठीक है, केले के आप 3 टुकड़े कर दें, माता रानी के सामने आप उसे अर्पित करें। उसके बाद आप तुलसी की, स्फटिक की या कमलगट्टे की माला लें और मंत्र का जाप करें, ओम नमो स्कंद माताए नमो नमः, ठीक है। दोस्तों, ज्यादा नहीं, 1 या 3 माला आप जाप कर लें। जब आप जाप करते हैं उस समय आपको किसी कटोरी में या ग्लास में पानी अपने सामने रखना है। पानी में जरा सी आपको हल्दी डाल देना है। उसके बाद में आप जितनी देर जाप करते हैं उस पानी की तरफ आप एक टक देखते रहें। जब आपके जाप पूरे हो जाते हैं उसके बाद उस पानी को आप पूरे घर में छिड़क दें और जो भी व्यक्ति पीड़ित है उसे पिला दें, उसके शरीर में छाड़ दें। बहुत जल्दी उसकी काया में परिवर्तन आएगा। माता रानी की कृपा से शरीर बहुत जल्दी अच्छा होने लग जाएगा, ठीक है। जो केले का प्रसाद है उस प्रसाद को आप अपने घर के अंदर ही, मतलब जो परिवार के जन हैं, जितने परिवार के मेंबर हैं, उनमें आप बांट लें। बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही अच्छा उपाय है। जो भी शारीरिक तकलीफ को भोग रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया ये उपाय है, तो इसे आप अवश्य ही करें। जो लोग चाहते हैं कि घर में सुख और समृद्धि आए, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहे, वे लोग इस दिन मेहंदी का एक कोन लेकर के आए और किसी भी कन्या को कोन दान में दे दें। कोन के साथ 1.25 रुपया भी अवश्य ही दे, 1.25 रुपया दे, 10 रुपया दे, 21 रुपया दे, जितना आपको देना हो उतना रुपया दे और एक कोन आप किसी भी कन्या को दे दें। ऐसा करने से आपका सौंदर्य भी बढ़ता है, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है, घर में प्रेम रहता है, घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। तो आज के दिन दोस्तों पूजा पाठ में इतना और कर लें, करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।